नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। बंगाल के चुनाव भले ही खत्म हो गए हैं, लेकिन आज भी सियासत का पारा पूरी तरह से गर्म है। करीब 7 साल पहले हुए स्टिंग ऑपरेशन को लेकर आरसीबीआई ने ममता सरकार के 2 मंत्रियों समेत टीएमसी के 4 नेताओं को गिरफ्तार किया, तो शाम होते होते उन्हें सीबीआई कोर्ट ने जमानत भी दे दी। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद सीबीआई ऑफिस पहुंची और 6 घंटे तक धरना दिया। साथ ही पूछा कि सिर्फ टीएमसी नेताओं पर ही कार्रवाई क्यों हो रही है। मामले में कथित तौर पर शामिल भाजपा में गए मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। इस बीच इन लोगों के खिलाफ मुकदमे की अनुमति देने वाले राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी ट्वीट कर ममता सरकार को कानून का व्यवस्था बनाए रखने की यहां पर नसीहत दी। तो इस पूरे घटनाक्रम के बीच पश्चिम बंगाल पूरे देश की राजनीति और मीडिया कवरेज का पीक पॉइंट बना रहा। स्टिंग, सीबीआई और सियासत के बीच आज बात इसी खास मुद्दे पर। तो 2014 में रिकॉर्डिंग हुई, 2021 में गिरफ्तारी, लेकिन 7 साल में आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुरंत गिरफ्तारी हुई। और इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ कांग्रेस विधायक रफीक खान जी हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी अनिल गोठवाल जी और साथ ही संपादकीय सलाहकार आशुतोष शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। अनिल गोठवाल जी, आपसे शुरुआत करते हैं। यहां बिना नोटिस मंत्री विधायकों की इस तरह से गिरफ्तारी नहीं हो सकती, एटीएमसी का कहना था, ममता बनर्जी का कहना था। जानना आपसे ये चाहेंगे कि कानून क्या कहता है। देखिए, भारतीय संविधान के अंदर कानून और व्यवस्था का विषय राज्य सरकार को दिया गया है और चूंकि सीबीआई एजेंसी है केंद्र सरकार के अधीन में, केंद्र सरकार की जो एजेंसी है सीबीआई, इन्होंने अभी जो ही चुनाव संपन्न हुए उस दौरान राज्यपाल महोदय से, वेस्ट बंगाल के राज्यपाल महोदय से इन्होंने अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर ली थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीबीआई ने कुछ इन के विरुद्ध अपराध साबित प्रमाणित पाया गया जी। और प्रमाणित पाए जाने के आधार के ऊपर इनके जो अभियोजन की स्वीकृति है कि न्यायालय में इनके खिलाफ हम चालान पेश करना चाहते हैं, वो प्राप्त कर ली थी। तो लीगल तरीके से तो उन्होंने जो राज्यपाल से स्वीकृति प्राप्त की है, क्योंकि वो राज्य स्टेट का हेड होता है, राज्य का मुखिया होता है और उन्हीं से उन्होंने प्राप्त की है, ये तो सत्य है। लेकिन चूंकि ये चुनाव के दौरान प्राप्त हुई थी, अब एक नई सत्ता सरकार बन गई है, तो इनका जो विरोध है कि सरकार से मंजूरी लेनी चाहिए थी, तो मंजूरी तो ऑलरेडी सीबीआई ले चुकी थी। अब सिर्फ उनको गिरफ्तार करके कोर्ट के अंदर उनके अपराध चालान प्रस्तुत करना था, वो किया जा चुका है। क्योंकि कोर्ट सक्षम है किसी के व्यक्ति के विरुद्ध अगर अपराध प्रमाणित करके कोर्ट में चालान पेश किया है, तो स्थानीय जो भी न्यायालय है, सीबीआई की विशेष कोर्ट है, उसको ये अधिकार है कि अगर वो चाहे तो उसकी जमानत ले सकती है। तो जो विशेष सीबीआई कोर्ट है, उसने उनकी जमानत ले ली, ये भी कानूनन तरीके से सही है। अब वो चाहे वो हाई कोर्ट जाए, सीबीआई या कहीं जाए, लेकिन ये पूरे एक कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई कार्रवाई है। और ये नहीं है कि उनको चूंकि एमएलए है, मंत्री है, चूंकि उनसे उन्होंने राज्यपाल महोदय से न्यायालय में प्रस्तुत किया। हाँ, एक इसके अंदर ये जरूर है कि सीबीआई इस प्रकार के प्रकरणों में जो भी राजनीति से प्रेरित है या राजनीति से संबंधित मामले होते हैं या जो मंत्रीगण हैं उनके खिलाफ आरोप पत्र पेश करने से पहले चाहे तो वो अरेस्ट कर सकती है और चाहे अरेस्ट नहीं कर सकती है। बिना अरेस्ट करे भी ऐसे सीबीआई यानी कानून के अंतर्गत ही पूरी कार्रवाई की गई। अनिल गोठवाल जी, आप ये कहना चाह रहे हैं संवैधानिक तौर पर जिस तरह से कार्रवाई होना चाहिए, क्या ये कार्रवाई वैसे हुई है, आप ये मान रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, रफीक खान जी का रुख कर लेते हैं। रफीक जी, राज्यपाल मुकदमा चलाने की यहाँ पर मंजूरी देते हैं और सीबीआई दफ्तर पहुंचकर ममता बनर्जी कहती है कि इस तरह का कोई कानून ही नहीं है, तो क्या ये माना जाए कि पश्चिम बंगाल में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो चुका है?
खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, यहीं से शुरुआत है बात की जी। खिसिया गए हैं बीजेपी वाले, चुनाव हार गए हैं, ममता बनर्जी ने फपेड़ दिया उनको वहां पर। प्रशांत किशोर ने कहा था कि 100 सीटें टच नहीं करेगी और 100 टच नहीं करी, और ये 250 आएगी, 200 आएगी, ये इस तरह की बातें कर रहे थे, और सरकार बना नहीं पाए। इसका एक षड्यंत्र बना के कार्रवाई कर रहे हैं, द्वेषपूर्ण कार्रवाई है। कायदे से जब आपकी परमिशन आपने मांगी उस वक्त आपने कोई कार्रवाई नहीं करी, जब गवर्नर रूल था और गवर्नर थे वहां पर, तब वहां सरकार नहीं थी। आप जब चुनाव चल रहे थे तब की बात अपन कह सकते हैं कि साहब गवर्नर पावर में थे, आज वहां सरकार है, मुख्यमंत्री है, लोगों ने जनादेश दिया है, लोगों ने इनको चुन के भेजा है। आप इनको षड्यंत्र करके इनको गिरफ्तार कर रहे हो, क्यों आज क्यों नहीं भेजी भैया आपने सरकार से परमिशन? गिरफ्तार करने से पहले क्यों नहीं पूछा सरकार से? क्यों नहीं सरकार के संज्ञान में लाया गया? किस बात का छुपा छुपी कर रहे हैं ये? लेकिन राज्यपाल ने तो मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी, अरेस्ट करने जा रहे हैं राज्यपाल से आप परमिशन थी। बातें राज्यपाल ने मुकदमा चलाने की मंजूरी जब दी, जब चुनाव चल रहे थे, तब संवैधानिक सरकार मौजूद नहीं थी। जब आप गिरफ्तार करने जा रहे हो उस वक्त संवैधानिक सरकार मौजूद है, क्यों नहीं सरकार की नॉलेज में डाल रहे हो? ऐसा क्या छुपाना चाह रहे हो आप? ये षड्यंत्र इनके, ये यहीं की बात नहीं है, इनके खिलाफ कोई भी बात उठती है बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी लोकतंत्र पे नहीं चल रही है। और आप लोग, खास तौर से आप लोग मीडिया वाले, ये सवाल नहीं उठा रहे हो डेमोक्रेसी खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा अगर इस तरीके से ये लोग चलेंगे। मतलब ये है कि इनके खिलाफ कोई जीत के जाए, इनके खिलाफ जनमत देवे जनता, तो वो लेकिन अभी अनिल गोठवाल जी ने चाहे चुनी हुई सरकार ने यही कहा कि जो कार्रवाई कानून के अंतर्गत होनी चाहिए थी, जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी वैसे ही कार्रवाई की गई। अब चलिए देखिए, ये टाइमिंग पर भी सवाल जरूर उठता है। ठीक है रफीक जी, वापस आपका रुख करेंगे। बीजेपी विधायक मदन दिलावर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदन जी बहुत स्वागत है आपका। मदन जी, टीएमसी आरोप लगा रही है कि सिर्फ हमारे लोगों पर, हमारे नेताओं पर ही ये कार्रवाई की गई, जबकि इस मामले में आरोपी शुभेंदु अधिकारी भी है, आरोपी मुकुल रॉय भी है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं, बदले की भावना से ये कार्रवाई की गई है, ये कहना है इनका। देखो, ये सारी कार्रवाई कोर्ट के आदेश से हुई है और माननीय राज्यपाल महोदय ने उसको मंजूरी दी है और उसके बाद नियमानुसार कार्य हुई है। अभी आप एक्सपर्ट से भी पूछ रहे थे, तो उन्होंने भी बताया कि ये नियमानुसार कार्रवाई है और वाजिब कार्रवाई है, क्योंकि जो भ्रष्टाचार में लोग फंसे हैं और स्ट्रिंग ऑपरेशन जो किया उसमें सारे दिख रहे हैं, और फिर उसकी बारीकी से जांच की है और जांच के जो दोषी पाए गए हैं तो उनको गिरफ्तार करना ही पड़ेगा, क्यों नहीं करना पड़ेगा? लेकिन इसमें आरोपी तो मुकुल रॉय और ये करें कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई? उनसे भी हो जाती पूछताछ। शुभेंदु अधिकारी को क्यों छोड़ दिया? ये सीबीआई से पूछना चाहिए। सीबीआई निष्पक्ष संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, उसी के लिए मैं उसका पार्ट नहीं हूँ। ये अब जो सीबीआई ने जांच की होगी और जांच की जो तथ्य आए होंगे उसके आधार पर कार्य कर रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए नियम कानून के अंतर्गत वैसे ही कार्रवाई को ये दिखाई नहीं रहा, यानी ये जो आरोप लगातार हिंदू मारे जा रहे हैं तब तो इनको मुंह बंद हो जाता है। जो लगातार पश्चिम बंगाल में हिंदू मारे जा रहे हैं वहां लोकतंत्र खतरे में नहीं आया, और ये देशद्रोहियों का लोकतंत्र खतरे में दिखाई दे रहा है। ठीक है मदन जी, आपने कहा कि जो कार्रवाई हुई है वो सही हुई है, जो टीएमसी आरोप लगा रही है वो गलत आरोप लगा रही। चलिए ठीक है वापस लौटेंगे रफीक जी, वापस लौटेंगे। आशुतोष जी भी हमारे साथ हैं, आशुतोष शर्मा जी संपादकीय सलाहकार। आशुतोष जी, बंगाल में बेकाबू हिंसा है, बेकाबू टीएमसी कार्यकर्ता है, बेकाबू यहां पर लॉ एंड ऑर्डर है, और जब कार्रवाई की जाती है तो बेकाबू दीदी भी है, ऐसा क्यों? क्या ये जो आरोप या जो सवाल ये सब उठ रहे हैं वो सिर्फ इस वजह से कि ये कार्रवाई की टाइमिंग गलत हो गई? देखिए श्वेता, इस पूरे मामले के तीन पहलू हैं जी। पहला पहलू है जिसका बीजेपी बार बार जिक्र करती है और मदन दिलावर जी ने भी जिक्र किया कि जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उन पर जांच एजेंसियां कार्रवाई करें या न करें,
ये बात बिल्कुल सही है कि जांच जो नेताओं के खिलाफ मामले होते हैं उसमें बार बार ये सवाल उठता है कि ये मामले जांच में लंबे खींचते हैं, और निश्चित रूप से कोई भी पार्टी हो भले ही वो विरोध करे, लेकिन ये बात सही है आम जनता में कि जो भी भ्रष्टाचार के मामले खासकर नेताओं पर होते हैं उनमें जाँच एजेंसियों को जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन करके और कार्रवाई करनी चाहिए, और आज ये इस तरह की कार्रवाई हुई। अब दूसरा पहलू ये है कि ये मामला 2016 में कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ, हाई कोर्ट ने के कहने पर यह मामला दर्ज हुआ। अब 2014 में ये स्टिंग हुआ, 2016 में ये मामला दर्ज हुआ, और अब 2021 चल रहा है। हाल ही अभी चुनाव हुए हैं विधानसभा के, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस की भी जबरदस्त मुकाबला हुआ। बीजेपी ने बहुत हाइप दिया लेकिन वो 100 के आंकड़े को भी नहीं पहुंच पाई। तो ऐसे में जब 6 साल से ये मामला इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, 5 साल से मामला इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, तो आज अचानक क्या हुआ कि ये सारे मामले में तुरंत अरेस्ट हुआ जो सरकार अभी अभी बनी है? तो इसकी टाइमिंग पर निश्चित रूप से सवाल खड़े होंगे। तीसरा पहलू ये है कि 5 साल से आज तो कोई इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कोई तथ्य आया नहीं जिसकी वजह से उन्हें तत्काल अरेस्ट करना पड़े और ये कहीं पर भाग जाएंगे, क्योंकि उनमें 2 मंत्री हैं, 2 विधायक हैं, 1 विधायक है। अब तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि इस समय जो परिस्थिति है, चुनाव बाद हिंसा हुई है बंगाल में, हिंसा इतनी ज़्यादा हुई है कि जो चुनावी हिंसा में 4 लोग 5 लोग मरे और चुनाव बाद हिंसा में कम 20 लोग मारे गए, और आंकड़ा इससे भी ज़्यादा हो सकता है। और इस दूसरी तरफ कोरोना चल रहा है, चुनाव के समय में बंगाल में कोरोना को लेकर न टेस्ट हुए और न कोई जाँच हुई, और बड़ी बड़ी सभाएँ हुई, और बताया जा रहा है कि हर 3 में से 1 आदमी या 50% तक लोग वहां पर कोरोना से पीड़ित हैं। ऐसे समय में जब सरकार एक कोरोना से लड़ने का प्रारंभिक प्रयास कर रही है बंगाल में, उस समय पर यह कार्रवाई करना बिल्कुल ठीक, यह इसकी टाइमिंग पर निश्चित रूप से सवाल खड़ा होगा और इसका बीजेपी वालों को जवाब देना पड़ेगा। मदन दिलावर जी, इसी का जवाब दे दीजिए सर, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जो अभी अहम पॉइंट यहाँ पर आशुतोष जी ने रखे कि क्या वाकई में इतनी जरूरी ये कार्रवाई थी कि दिन भर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, 6 घंटे धरने पर बैठी रही वो, शाम को उन्हें जमानत भी मिल गई चारों को, लेकिन क्या कोरोना काल जिस तरह के हालात पश्चिम बंगाल में अब नजर आ रहे हैं कोविड के तहत, क्या इतना जरूरी था ये? कोर्ट का मामला है, कोर्ट का विशेष अधिकार है कि वो जमानत दे या ना दे, इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन जहाँ तक सीबीआई एक स्वतंत्र एजेंसी है, वो अपना स्वतंत्र रूप से काम करती है, इसलिए उसमें मेरा कहना मैं समझता हूँ कोई उचित नहीं रहेगा। लेकिन सामान्यता यह है कि भ्रष्टाचारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे वो टाइम गिरफ्तारी का कोई भी हो, कभी भी किया जा सकता है भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार। लेकिन अगर उसमें बीजेपी के लोगों का भी नाम शामिल हो तो क्या उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती? अगर उस पर भी कार्रवाई होती, उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया जाता क्योंकि उनका भी नाम था, तो शायद इसे निष्पक्ष तरीके से माना जाता कि कार्रवाई। मैंने कहा सीबीआई स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। जब क्या माननीय नरेंद्र जी मोदी जी से सीबीआई ने पूछताछ की थी, तब कांग्रेस ने जानबूझ करके पूछताछ करवाई होगी या जानबूझ के षड्यंत्र करके सीबीआई उनको पकड़ करके ले गई होगी पूछताछ के लिए। इसका अर्थ तो ये होता है, यानी सीबीआई के निष्पक्षता पर ये प्रश्न चिन्ह उठाना चाहते हैं। लेकिन ये बदमाश लोग ये नहीं बोलना चाहते कि इतने हिंदू पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के द्वारा क्यों मारे जा रहे हैं, वहाँ क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है? देखिए, ये हिंदू मुस्लिम का तो हम यहाँ मुद्दा नहीं लेके चल रहे, लेकिन यहाँ पर टीएमसी की सरकार बनती है, ऐसे वक्त में कार्रवाई होती है, जो आरोपी थे उनमें बीजेपी के नेताओं का भी नाम होता है जो कि बीजेपी में शामिल हुए, जो कि पहले टीएमसी में थे, इसलिए सवाल उठ रहे हैं मदन दिलावर जी। लोगों के घर जला दिए, 25 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी है, सैकड़ों माँ बहनों के साथ बलात्कार किए हैं, और ये आशुतोष के संबंध में कुछ बोलते नहीं है। आशुतोष दिलावर जी, आशुतोष भी देंगे। दिलावर जी, सीधी सी बात यह है कि इस समय पर मामला हिंदू मुसलमान और ये करने का नहीं है, और इस तरह के अपने को सीधे आरोप लगाने से बचना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जो आप कह रहे हैं कि सीबीआई जो है वो आपके हिसाब से स्वतंत्र संस्था है, आपके हिसाब से स्वतंत्र सीबीआई स्वतंत्र संस्था है, और उन्होंने नरेंद्र मोदी को भी इंटरोगेट किया था, तो ये कैसे हो सकता है कि उस समय पर सीबीआई स्वतंत्र नहीं थी और आज आपके आने के बाद में स्वतंत्र हो गई? सबसे बड़ी बात यह है कि जो निकाय स्वतंत्र हैं, सीबीआई स्वतंत्र है, ये उसको न केवल स्वतंत्र होना चाहिए बल्कि स्वतंत्र और निष्पक्ष होते दिखना भी चाहिए।
दिखना इसलिए चाहिए कि ये चार ही नेताओं के खिलाफ सबूत आए हैं क्या आपके पास। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो आज ही जो इसका स्टिंग करने वाले हैं पत्रकार जो सैमुअल हैं, उन्होंने आज लिखा है कि मैंने जो सीबीआई को टेप सौंपे हैं उसमें शुभेंदु अधिकारी को 5 लाख रुपए मैंने दिए हैं, इसका टेप है। और मुकुल राय जो बीजेपी में चले गए हैं उनको, उनके लिए 15 लाख रुपए एक सस्पेंडेड आईजी को दिए गए हैं, और ये सब बातें टेप उन्होंने सीबीआई को दी है, वो टेप सही साबित हुई है। इसके बावजूद क्या बीजेपी एक सैनिटाइजर है कि उसमें जो बीजेपी में आ गया अच्छा होता और इतना बवाल आज नहीं होता कि यदि चार व्यक्ति तृणमूल कांग्रेस के पकड़े गए हैं जो अरेस्ट हुए हैं, बाद में उनकी जमानत हो गई, तो उनमें उनमें एक व्यक्ति जो बीजेपी का सैनिटाइजर इस्तेमाल कर चुका है उसको भी यदि अरेस्ट कर लेते सीबीआई कार्रवाई करती तो शायद आज इतना बड़ा सवाल खड़ा नहीं होता। बिल्कुल रफीक जी, दो व्यक्ति दो नहीं बहुत है, लेकिन जो दो बड़े नाम है जो आदमी कल तक ममता बनर्जी के साथ था और जिनको लेकर के मेनली स्टिंग ऑपरेशन किए गए, और वो दो आदमी आज बीजेपी का मुखौटा ओढ़ के और बीजेपी का सैनिटाइजर जैसे ये कह रहे हैं इस्तेमाल करके बीजेपी में चले गए, तो वो तो बरी हो गए, उनको सीबीआई ने गिरफ्तार नहीं किया, उनके सबूत खत्म हो गए क्या? जिनके ऊपर क्लियर क्लियर एलिगेशन, जहां से बात शुरू हुई और जिस पत्रकार ने स्टिंग ऑपरेशन किया उसने कहा कि मैंने खुद ने 5 लाख रुपए दिए हैं, वो आदमी को तो आपने छोड़ दिया और इनको गिरफ्तार कर लिया, तो इसका मतलब ये सारा काम बायस किया गया है, द्वेषतापूर्ण किया गया है। चुनाव हार जाने का मतलब ये नहीं होता, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आपको हमेशा मोरल वैल्यूज पे काम करना चाहिए, लोकतंत्र में आपको जनमत का सम्मान करना चाहिए, जो जनता ने मैंडेट दे दिया उसका सम्मान करना चाहिए। भ्रष्टाचार, इसका मतलब ये नहीं कि आप भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई मत करो, लेकिन भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई भी करो। लेकिन मैं एक बात यहां कहना चाहता हूं, जैसे मदन जी अभी बोल रहे थे, मदन जी मेरी नजर में हिंदू मुसलमान सब एक है। मैं किसी मुसलमान के घर में पैदा हो गया तो मैं अल्लाह अल्लाह करने लग गया, आप किसी हिंदू के घर में पैदा हो गए तो आप राम राम करने लगे। ये बहस का मुद्दा नहीं है, इससे कोई व्यवहार में आदमी के कोई फर्क पैदा नहीं हुआ है। सुनिए रफीक जी, हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं ना सर, उसी पे करते हैं, भले कोई भी सवाल उठाए अगर हम उसी पे जवाब भी देंगे ना तो ये डाइवर्ट होगी, ये हिंदू मुसलमान और राम और अल्लाह पर जाने लगेंगे। देखिए टीएमसी सब बातों का जवाब देंगे, टीएमसी जिस तरह से सवाल उठा रही है, आरोप लगा रही है पूरे दिन, जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, बात हम उस पर जवाब दूंगा। बात ये है कि जो मुद्दा है आज बेवजह चार आदमियों को गिरफ्तार किया, बात अच्छी होती कि जितने आदमी सब लोग इन्वॉल्व थे उन पे सब पे कार्रवाई होती। और सबसे अच्छी बात आशुतोष जी ने अभी कही कि ये टाइमिंग गलत है, जिस समय पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है, कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है, उसमें हमें आज इससे सबको संयुक्त रूप से इसको, मदन जी अभी आपने कहा कि करप्शन पर कार्रवाई होना चाहिए, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन करप्शन पर कार्रवाई थी या बदले की भावना से ये नारदा की ढाल थी जिसका इस्तेमाल किया गया? मदन दिलावर जी, देखो मैं कोई सीबीआई का प्रवक्ता नहीं हूं, मैंने पहले भी कहा कि लेकिन बीजेपी नेता तो है सर, बीजेपी विधायक तो है, उसकी तरफ से कोई मैं जवाब दूं ये उचित भी नहीं है। मैं ये निर्णय सीबीआई को करना है, मैं कौन हो सकता हूँ ये कहने वाला कि वो गलत था और वो सही था, ये तो सीबीआई के प्रवक्ताओं से पूछा जाना चाहिए, सीबीआई मेरे से नहीं। सुनिए मदन जी, मदन जी देखिए सवाल बीजेपी पर उठ रहे हैं, केंद्र सरकार पर अगर सवाल उठाया जा रहा है और आप उन्हीं के प्रवक्ता के तौर पर सवाल उठाने वाले कौन होते सर? आज तो चर्चा का विषय यही है,
दिन भर आज जो घटनाक्रम हुआ हर किसी ने देखा। अगर सवाल उठ रहे हैं और आप बीजेपी के विधायक हैं मदन जी, तो जवाब तो आपसे लेंगे ना, आप सीबीआई की तरफ से जवाब मत दीजिए। सवाल पूरा देश उठा रहा है, पूरे देश का मीडिया उठा रहा है। मैं बोल रहा हूँ ना। हाँ ठीक है मदन जी, आप जवाब दीजिए। रफीक जी एक मिनट, रफीक जी एक मिनट, और जो निष्पक्ष रफीक जी एक मिनट, मदन जी को सुनिए, जवाब दे रहे हैं। उसको करने सवाल नहीं उठाना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। सीबीआई जो कार्रवाई कर रही है उस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। इसका मतलब सीबीआई को निष्पक्ष नहीं समझते, इसका मतलब सीबीआई आज ही कोई पक्षपाती हुई है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद ही पक्षपाती हुई है क्या? नहीं तो आप क्या स्वीकार कर रहे हैं कि बीजेपी सीबीआई निष्पक्ष नहीं है? आप कहिए तो राजीव प्रताप कार्रवाई नहीं होती है, बात कर रहे हैं कार्रवाई पूरे आरोप पे हो जाती है। कोरोना के सिरे तो मदन दिलाल जी का मुकदमा दर्ज कराया अशोक जी गहलोत ने, और मेरे को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस तैयार थी। वो तो हाई कोर्ट ने मदन जी आप ये कह रहे हैं कि सुनिए, आपने ये बात सीबीआई पहले भी क्या किसी के कहने पर करती थी? यानी कि आप मान रहे हैं कि सवाल उठते रहे हाई कोर्ट से? मैंने इसके लिए आवाज, सीबीआई पर सवाल पहले भी उठते रहे। अगर बीजेपी के किसी बड़े नेता से पूछता सीबीआई करे तो, यानी यूपीए की सरकार थी तो उन्होंने करवाया, क्या आप ये मानते हैं? अगर आज बीजेपी पर या एनडीए पर सवाल उठ रहे हैं तो क्या पहले भी ऐसा होता था? मदन जी क्या है श्वेता जी? नहीं ये पहले तो ऐसा मानते कि पहले तो बहुत निष्पक्ष थी, अभी पक्षपाती हो गई है। शर्म नहीं आती लोगों को ऐसा कहते एजेंसी के, एक स्वतंत्र एजेंसी के लिए, कि पहले तो पक्षपात नहीं करती थी, पक्षपात करने लग गई है। अरे कुछ शर्म करो, कुछ शर्म करो। कितने अत्याचार किए, कितने अन्याय किए कांग्रेस ने, कितनी बंगाल की सियासत अभी क्या क्या होना बाकी है? अभी तो सरकार बनी है, 15 दिन हुआ और ये शुरू हो चुका है। सन 1975 फिर आप सर चले गए पुराने इतिहास में। देखिए सर वक्त खत्म हो रहा है क्योंकि एक लिमिटेड वक्त है, वापस आपके पास लौटेंगे। आशुतोष देखिए श्वेता, बंगाल में जो हुआ है वो स्पष्ट है कि ये एक कार्यकर्ताओं को संदेश देने का मामला है। जिस तरह से बंगाल में चुनाव में बीजेपी हारी और उसके बाद में जो चुनाव के बाद की हिंसा हुई और लोग बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कैडर को घर छोड़ करके जाना पड़ा, और कई लोग जो है वो बंगाल छोड़ के आसाम की सीमा पर चले गए, नंदीग्राम में बीजेपी के दफ्तर जलाए गए, तो उससे बीजेपी बहुत ही बचाव की मुद्रा में है और अपने पूरे कैडर को और पूरे समर्थकों को एक सुरक्षा का आश्वासन दिलाना उनके लिए पॉलिटिकली बहुत ज़रूरी हो गया है। और दूसरी तरफ इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये एक कार्रवाई की गई ताकि तृणमूल कांग्रेस की गवर्नमेंट पर थोड़ा प्रेशर रहे, इसलिए क्योंकि इसके बारे में दिलीप जो घोष हैं बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने तो एक सीधी सीधी मांग की है कि हम बड़े संकट में हैं और राष्ट्रपति शासन ही इसका इलाज हो सकता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि जो इतने बड़े बहुमत से सरकार ममता बनर्जी की लौटी है और 50% के लगभग वोट उनको मिले हैं तो राष्ट्रपति शासन तो बिल्कुल ऐसी स्थिति में मुमकिन नहीं है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं और कैडर में और समर्थकों में विश्वास पैदा करने के लिए इस तरह की कार्रवाई सीबीआई ने इस समय पर की है। चलिए ठीक, और राज्यपाल भी जिस तरह से दौरे कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के विरोध के बावजूद राज्यपाल ने दौरे किए, वो भावुक भी हो गए, असम की सीमा में जाकर भी उन्होंने दौरे किए और विश्वास दिलाने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला अपने कैडर और समर्थकों को विश्वास आश्वासन देने का है कि नहीं हम आपके साथ खड़े हैं और इसके दबाव में आने वाले नहीं है। दूसरी तरफ जो ममता बनर्जी हैं वो फ्रंट से लड़ाई लड़ने वाली लीडर हैं, वो सड़क की नेता हैं, तो उन्होंने आज जिस तरह से कार्रवाई हुई तो उनको एक प्रेशर में नहीं आया, आसान नहीं होगी पश्चिम बंगाल की सरकार के लिए, आसान रहा आने वाले वक्त में नहीं होगी क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए 2014 में स्टिंग किया जाता है, 2016 विधानसभा चुनाव के पहले, 7 साल बाद इसका असर होता है, कार्रवाई यहां पर की जाती है, कार्रवाई संवैधानिक तौर पर की जाती है, लेकिन सवाल तब उठते हैं जब सभी आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की जाती, और इसलिए जब ये सवाल उठे, ये पूरा सियासी घटनाक्रम यहां पर हुआ, जो ड्रामा देखने को मिला पश्चिम बंगाल के अंदर, तो वो ये तय जरूर करता है कि अभी 15 से 16 दिन ही हुए हैं सरकार वहां पर बने हुए, टीएमसी की वापसी हुए, लेकिन आने वाली राह भी आसान नहीं होगी, और करप्शन पर अगर कार्रवाई करनी है तो निष्पक्ष तौर पर होनी चाहिए ताकि किसी को मौका ही ना मिले कि वो कोई सवाल उठा सके। चलिए इसके साथ आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।